रायपुर से बड़ी खबर है, मरीन ड्राइव में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अंबिकापुर कलेक्टरेट के चालक की हत्या की गई। तीन अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल लूटने के विवाद में मारा युवक को चाकू। शासकीय कार्य से अधिकारी को लेकर रायपुर आया था मृतक। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मरीन ड्राइव में युवक की चाकू मारकर हत्या, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है यहाँ पर कि मरीन ड्राइव में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्षिका, क्या है ये पूरा मामला और बड़ी हैरानी की बात है कि मरीन ड्राइव पर युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये अज्ञात लुटेरों ने इस मामले को, इस वारदात को अंजाम दिया है। लगभग रात 3:40 का वो समय था जब राजधानी के मरीन ड्राइव में देखिए चाकू मारकर एक और व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही। तो देखिए राजधानी में ये चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय जो व्यक्ति है वो अब सुरक्षित नहीं है। ये अंबिकापुर कलेक्ट्रेट से जो व्यक्ति है वो कलेक्ट्रेट में ड्राइवर था। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसे तीन अज्ञात लुटेरों ने जो है चाकू मारकर वो फरार हो गए, जिसके बाद आधी रात को युवक का जो शव था वो यहीं पर पड़ा रहा, जिसके बाद सुबह पुलिस को जानकारी मिली और फिर उन्होंने यहाँ पर पहुँचकर जो है पूरे मामले को संज्ञान में लिया। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है, यहाँ पर बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है और जो है बैरिकेटिंग के अंदर जो है उस युवक का खून वो यहाँ पर नज़र आएगा। उसके अलावा वहाँ पर उसके चप्पल रखे हुए हैं और इसी प्रकार से पुलिस लगातार इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। चूँकि जो लुटेरे हैं वो फरार हो चुके हैं तो फिलहाल उन पर जो है मामला जो है दर्ज होगा और जो है उस पर पूरी कार्रवाई होगी आगे चल के। लेकिन लक्षिका, बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि तमाम पुलिस गश्त की बात हो या फिर चेकिंग्स के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है, बावजूद इसके चाकू युवक कैसे अंदर ले गया? और दूसरी बड़ी बात कि जिस दौरान यह पूरा विवाद हुआ, क्या वहां पर और कोई मौजूद नहीं था? अगर मौजूद था तो रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया वहां? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये आधी रात को कल जो है 3:40 की घटना है जहां पर ये घटना जो है उसको अंजाम दिया तीन अज्ञात लुटेरों ने। और इस वक्त जो है जो पुलिस है उसकी पेट्रोलिंग की गाड़ियां जो होती हैं वो अक्सर यहां पर मरीन ड्राइव के आसपास जो है गुजरते रहती है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्यों पुलिस प्रशासन को ये काफ़ी लेट में संज्ञान में आया। उसके अलावा जो बड़ा सवाल है वो ये भी है कि लगातार ऐसी चाकूबाजी की जो घटनाएँ हैं वो बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में हमने देखा था कि दिन दहाड़े यहाँ पर रायपुर के मरीन ड्राइव में ही जो है एक महिला को एक युवक ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर झांकी में एक चाकूबाजी की घटना हुई और उसको दिन बीते नहीं इस वारदात को भी अंजाम दे दिया गया है। तो देखिए कुछ बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, वो घटना के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। भैया घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी है? अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, अभी तो जस्ट मैं भी आया। आप अभी आए, कहाँ से युवक था या फिर किस समय हुआ, कुछ भी आपको जानकारी हो? अभी जस्ट आया कुछ देर पहले। अच्छा हाँ। तो देखिए ये रायपुर की जनता है, उन्हें भी अभी भी पता चल रहा है कि ये जो वारदात है जहाँ पर दिन भर लोग आसपास जो है वो घूमते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं, अब उनके लिए भी सेफ नहीं रह गया है राजधानी। मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था पर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लक्षिका बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।